सड़क पर अक्सर कई बेजुबान जानवर सड़क हादसों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही बेजुबान जानवरों की जिंदगी को बचाने का बीड़ा उठाया है बाड़मेर के सोमवीर स्वामी ने। अब तक वो 32,000 से ज्यादा वाहनों और पशुओं को रेडियम बेल्ट लगा चुके हैं। वो जब भी किसी आवारा पशु को देखते हैं, उनके गले में रेडियम बेल्ट लगा देते हैं ताकि वो किसी भी तरीके के हादसे के शिकार न हो। सोमवीर का कहना है कि आवारा पशु सड़क पर झुंड लगाकर बैठ जाते हैं या फिर चलते फिरते रहते हैं। ऐसे में कई बार दिखाई न देने की वजह से यही आवारा पशु और वाहन चालक भयानक हादसों के शिकार हो जाते हैं। सर, मैं लगभग 2011 से बाड़का चौकी में पदस्थापित था और उसी टाइम से क्या है कि एक्सीडेंट हुआ था। एक पटवारी की डेथ हो गई थी, ट्रैक्टर ट्रॉली थी, उसके पीछे एक लाइट नहीं थी। उसके बाद में ये मैंने अभियान शुरू किया था और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अभी मैंने लगभग 3200 वाहनों के ये प्लेट लगा दी है। ये जैसे मैं लगाता हूँ उनको समझाइश भी करता हूँ, भाई इसे एक्सीडेंट की संभावना कम होती है, रात्रि में जैसे कोई लाइट पड़ेगी तो इसे पता भी चल जाएगा आगे वाहन है। जागरूकता पूरी तरह से इसमें बताई जा रही है। पशुओं के लिए भी वो गले की प्लेटें बनाई जाती है, अपने रस्सी टाइप की है वो बनाई जाती है, जिस पे रेडियम के लगाए जाते हैं। रात्रि में जैसे कोई काला पशु है या काले कुत्ते उनके भी लगाता हूँ। रात्रि में जैसे कोई दिख गया तो पता चल जाता है भाई कोई पशु है या कोई और है। जो काला जानवर है उस सभी के लगाता हूँ मैं। बिल्कुल सर, क्या होता है एक्चुअल में जैसे पीछे रेडियम प्लेट नहीं होती है या लाइट नहीं होती है, सामने से अगर कोई वाहन आता है ना तो दिखाई नहीं देता कि पीछे से क्या चीज़ है। इसलिए अगर रेडियम होता है ना तो उससे दूर से भी वाहन से पता चल जाता है किसी को भी आगे वाहन चल रहा है। और इसीलिए मैंने ये रेडियम पट्टी शुरू की थी 2011 से, अब तक चालू है मेरा और आगे भी चालू रहेगा। सोमवीर झुंझुनू जिले के भगेरा गांव के रहने वाले हैं और अपने इस अनोखे अभियान के लिए वो किसी भी तरीके की आर्थिक मदद नहीं लेते। दरअसल सोमवीर साल 2011 में बाड़खा चौकी में कार्यरत थे। उसी दौरान बाड़खा के पास सड़क हादसे में एक पटवारी की मौत हो गई और इसी के बाद उन्होंने सबक लिया और अपने इस अभियान में जुट गए। लोकल 18 के लिए मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।